तो अगर आपके भी इंस्टाग्राम में रील्स नहीं चल रहा है या फिर कोई सा भी वीडियो नहीं चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हम वीडियो अपने कैसे चला सकते हैं, जिसको आप कर सकते हैं कुछ स्टेप को फॉलो करके। तो इसके लिए सबसे पहला काम है, पहला स्टेप आप फॉलो करिएगा, आपको जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो देखिए, अभी आप पहली बार जब आप इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो यहाँ पर ओपन की जगह पर अपडेट का ऑप्शन देगा। सबसे पहले आप अपने इस इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट ज़रूर से कर लें, क्योंकि ये अपडेट आता रहता है जिससे हमारा जो ऐप है वो सही से काम नहीं करता, अगर हम अपडेट नहीं करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरनेट का कनेक्शन चेक करना है। चेक से कैसे चेक करेंगे, इसके लिए देखिए दोस्तों, आपको देखना है कि आपका जो इंटरनेट है, जो नेटवर्क है वो फुल है कि नहीं। अभी मेरा जो नेटवर्क वो फुल है, ठीक है, फुल है। उसके बाद जो इंटरनेट जब हम ऑन डाटा ऑन करते हैं तो उस पर दिखता है 4G, ठीक है, 2G, 3G, 5G ऐसे दिखता है। तो अगर आपको वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। साथ में आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि जो आपका इंटरनेट है वो ऑन है कि नहीं है। अगर देखिए यहाँ पर अभी मेरा जो इंटरनेट है वो ऑन है, और ऑन होने के बाद भी अगर आपका ये शो नहीं कर रहा है, या फिर नेटवर्क शो नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ पर डाटा नहीं शो कर रहा है, 4G या फिर 5G नहीं शो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एयरप्लेन मोड होता है, इसको ऑन करेंगे देन ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। इससे हमारा जो डाटा है वो रिफ्रेश हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है यहाँ पर, अगर आपका जो डेली का डाटा मिलता है हम लोग को, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको मिलता है 1.5 GB, 2 GB जो भी डाटा मिलता है हम लोग का डेली का, अगर वो यूज़ हो जाता है, यानी डेली का जो डाटा हम लोग ख़त्म हो जाता है 1.5 GB, 2 GB, ठीक है, उसके बाद जो हमारा इंटरनेट है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपका जियो का सिम है तो थोड़ा स्पीड अच्छा रहता है, चल जाता है, काम चल जाता है, लेकिन अगर आपका वही एयरटेल का सिम है तो क्या होता है कि आपका इंटरनेट बहुत ही स्लो हो जाता है, चलता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर क्लियर कर लें कि आपका डाटा तो ख़त्म नहीं है। तो इसके लिए आप अगर आप देखें यहाँ पर इस वाले जगह पर, यहाँ पर 2 डे डाटा दिख रहा है, 299 MB मैंने यूज़ किया है, ठीक है ना, आज के दिन में यहाँ पर। इसी तरह आप भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐप्स, ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे फ़ोन में अलग अलग शो कर सकते हैं। अगर आपके पास MI का फ़ोन है तो आपको ऐप्स का ऑप्शन देगा, आप ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अंदर आएंगे तो मैनेज ऐप का ऑप्शन देगा, आप यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। यहीं से हम सभी ऐप को मैनेज कर सकते हैं, ऐप को ऑन इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं सिंपली। अब क्या करना है आपको, सिंपली यहां पर क्या करना है आपको, इंस्टाग्राम सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम सर्च करके ओपन कर लेंगे। यहां आने के बाद ये ऐप इन्फो पेज होता है, सभी ऐप का एक ऐप इन्फो पेज होता है जिसको यहां से हम मैनेज करते हैं, और उसके जो भी अंडरग्राउंड सॉफ्टवेयर होता है उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर आने का एक और तरीका है, सिंपली आप ऐप पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, यानी इंस्टाग्राम पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद आई बटन का ऑप्शन देगा, आप आई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तब पर भी आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद दो चीज़ आपको करना है, सबसे पहला काम करना है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है क्लियर डाटा का, ठीक है। कई लोग फ़ोन में स्टोरेज डाटा या फिर ऐसे कुछ शो कर सकता है, स्टोरेज शो कर सकता है, स्टोरेज डाटा शो कर सकता है, अगर MI का फ़ोन है तो क्लियर डाटा का ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करिएगा और उसके अंदर जाएंगे तो अगर आपका डाटा स्टोरेज शो कर रहा है तो उसके अंदर जाएंगे ना तो क्लियर चेस का ऑप्शन देगा, आपको क्लियर चेस पे क्लिक कर देना है, देन ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। साथ में एक चीज़ और यहाँ पर करना है, एक ऑप्शन देता है डाटा यूजेस, या फिर आपके में आपके फ़ोन में देख सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके फ़ोन में क्या दे रहा है, जहाँ से हम इंटरनेट किसी भी ऐप का इंटरनेट को ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देता है डाटा यूजेस, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपके फ़ोन में ये ऑफ है, देखिए यहाँ पर अभी के लिए फ़िलहाल में मेरे फ़ोन में ये ऑफ है, सभी को ऑन कर लेना है, ये रहा, हमने सभी को ऑन कर लिया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को ऑन करिए, ठीक है, और एक बार इसे कट के रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं भूल रहा था आपको बताने से,
क्या होता है ना, कई बार हमारा जो वाईफाई है, देखिए यहाँ पर देखिए वाईफाई मेरा ऑन है ठीक है, और हमारा नेट भी है, डाटा भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरा वाईफाई ऑन है। तो हम कभी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कोई वाईफाई फ्री है जो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, तो उसमें हमारा जो मोबाइल है वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो उस वाईफाई का डाटा स्लो है या फिर इंटरनेट स्लो है, उसके बाद हमारा जो नेट है वो चलता नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कई सारे हम लोग मॉल में जाते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म में पेट्रोल पम्प पर जाते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है, हमारा जो मोबाइल है ऑटोमेटिक किसी न किसी से कनेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सिंपली अपने वाईफाई को बंद करके रखेंगे, जिससे आपका जो वाईफाई है कहीं कनेक्ट ना हो और आपका जो इंटरनेट है वो सही से चलता रहे। अगर आपका डाटा का इंटरनेट कट हो जाएगा तो वाईफाई कनेक्ट करेगा, और वाईफाई का हो सकता है स्पीड स्लो हो या फिर स्पीड चलता ही ना हो, बस आपके फ़ोन में कनेक्ट हो गया है और उसके बाद आपका इंटरनेट चल ही नहीं रहा है ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी देख लीजिएगा। लास्ट में आपको सिंपली क्या करना है, एक चीज़ और होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोबाइल का, आपको सिंपली का मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है, यानी एक बार मोबाइल को स्विच अप करके उसको ऑन कर लेना है। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो फ़ोन है, कई लोग, मेरा ही मान लीजिए, मैं ही अपने फ़ोन को महीना में एक महीने या फिर दो दो हफ्ते तक रीस्टार्ट ही नहीं करता हूँ, तो इससे हमारा जो फ़ोन होता है वो चलते चलते थक जाता है और ग्लिच आने लगता है ठीक है। कई सारे ऐप नहीं काम करते हैं, कई सारे फ़ोटो भेजते हैं व्हाट्सएप वो नहीं जाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम होता है जो ग्लिच वाले इफेक्ट होते हैं, ग्लिच वाले प्रॉब्लम होते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होता है ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम एक चुटकी में ख़त्म हो जाते हैं, बस आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। आगे भी अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगा तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करके ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हैं और हम चलते हैं रील्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपका रील्स चलना चालू हो जाएगा। देखिए अभी मेरा जो रील्स है वो चल रहा है, और इसी तरह से आप भी अपने इंस्टाग्राम में रील्स वाले ऑप्शन को, रील्स का प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। अगर आपका इतना करने के बाद भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करिए, अगला वीडियो मैं फिर से रिलीज़ करूँगा इसका नेक्स्ट टॉपिक या पार्ट 2।